आज जनपद फिरोजाबाद में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संयुक्त तत्वावधान में पालीवाल हॉल में एक युद्ध नशे के विरुद्ध विषयक एक दिवसीय जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे बच्चों में नशे की लत न लगे तथा जो बच्चे नशे के आदि हो गए हैं उनकी ये बुरी आदत कैसे छुड़ाई जाए, इस पर विचार किया गया। गोष्ठी शुरू होने से पहले दिशा चिल्ड्रन वेलफेयर फंड सोसाइटी के बच्चों ने नशे की लत लगने के बाद होने वाले नुकसान और नशे की लत लगती किस वजह से है, इसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस गोष्ठी में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पंडित देवेंद्र शर्मा, विशिष्ट अतिथि लोकप्रिय विधायक श्री मनीष असीजा, महापौर श्रीमती कामिनी राठौर, COCT, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ नगर के जागरूक लोग उपस्थित रहे। ये नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जॉइंट एक्शन प्लान है एक युद्ध नशे के विरुद्ध, यानी जो छोटे छोटे बच्चे आज जिस तरह से नशे की ओर बढ़ रहे हैं उन बच्चों को रोकने का काम हम लोग कर रहे हैं, जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। नारकोटिक्स विभाग और पुलिस हमारी जो नशे के कारोबारी हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं ऐसे लोगों को शिकंजों के बीच भेजने का काम कर रहे हैं, तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अवेयरनेस का काम कर रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि जिन्होंने पूरे प्रदेश के जिस तरह से सीधी जवाबदेही कप्तान और थानेदारों को दी है उससे आज आपने देखा होगा 15 दिन का एक पूरा अभियान चला था गृह विभाग का और हम लोगों का, उसमें अरबों खरबों की जो ड्रग्स थी उसको तहस नहस कर लिया और जो ड्रग्स का कारोबार करने वाले लोग थे उन्हें शिकंजों के अंदर भेजने का काम किया। डॉक्टर साहब, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा कौन से नशा मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं और कौन कौन से क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किए जा रहे हैं? जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में बाल आयोग काम करता है और आज जो बाल आयोग काम कर रहा है कि बच्चे नशे में ना आए और जिस तरह से षड्यंत्र करके कुछ लोग जो केवल जैसा कि मैंने कहा था कि मानसिक रूप से विकृति कहूँगा, केवल पैसा कमाने की होड़ के कारण कि नशे का कारोबार कर रहे हैं और बच्चों को केवल उसमें पार्सल के रूप में उपयोग करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने का काम हमारी पुलिस करती है। सर, सवाल मेरा ये था कि योजनाएं कौन कौन सी चल रही है इनके उत्थान के लिए? इनके उत्थान के लिए जैसे कि आपने देखा कोरोना रूपी महामारी थी और जब बच्चे अनाथ हो रहे थे, अगर उन अनाथ बच्चों की चिंता करने का काम किया तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चों को 4,000 रुपया देने का काम सरकार कर रही है। 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माँ बाप चले गए ऐसे बच्चों को भी सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा सामान्य सेवा योजना के तहत 2,500 रुपये देने का पढ़ने के लिए पर मंथ काम कर। और कन्या सुमंगल योजना जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे विश्व के नेता नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका जो स्लोगन था उसको चरितार्थ करने का काम सरकार कर रही है। कन्या सुमंगल योजना के तहत बेटी जब पैदा होती है तो इंटर तक की पढ़ाई के लिए उसको 15,000 रुपया देने का काम हम कर रहे हैं। विधवा माताओं विधवा बहनों के लिए पेंशन देने का काम भी हम कर रहे हैं और जिस बेटी के साथ कोई घटना हो जाती है तो ऐसी बेटी की क्षतिपूर्ति करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत हम उसको देने का काम। सर, अभी भी आपने मंच से बोला था कुछ फिरोजाबाद में एक समाचार के माध्यम से सुनाया कि छोटी छोटी बच्चियाँ दूसरों के घर जाती है, ऐसा क्या है सर, क्या नई योजना है? उसका सबसे बड़ा योजना तो हम और आप ही इसको सॉल्व करेंगे, आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैंने कहा था कि कुछ समाचार ऐसे लग रहे थे फिरोजाबाद से छोटी छोटी बच्चियाँ जो काम करने वाली हैं और व्यवसाय में लगी है आखिर वो क्यों चली जाती है। मैंने ऐसा प्रश्न आज समाज के बीच में कहा है कि मुझे मालूम पड़ता है तो मैंने पुलिस से भी बात की है और उन पर भी ध्यान रखने का काम अब पुलिस करने वाली।
उसके लिए मैंने निर्देश दिया। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है कि फिरोजाबाद में जो बाल संरक्षण गृह है उसकी दशा निंदनीय है। ईश्वर कौन चढ़गर है, अगर उसके उत्थान के लिए आज फिरोजाबाद में आप मौजूद है तो यहाँ के जो, आपकी बात मैं अच्छे से सही मानता हूँ क्योंकि किराए की बिल्डिंग है और वो कई बार बात भी हुई, लेकिन अब हमारे विधायक जी के प्रयास से जमीन उसके लिए एक्वायर हो गई है, उसका एस्टिमेट बन गया है और जल्द ही आप देखेंगे बाल ग्रह, हमारे जो DPO हैं और वो सब हमारे CDO साहब सब लोग लग रहे हैं और एस्टिमेट पहुँच गया और वो जल्दी ही बनने वाले हैं।